अहंकार अंधा कर देता है। गुड मॉर्निंग बॉयज, टुडे इज बीजेएस। क्वालिफाई हुए से व्लॉग डालूंगा, क्वालिफाई नहीं हुए तो ये व्लॉग बाहर नहीं जाएगा। कल बहुत लंबा डिस्कशन हुआ है टीम के साथ। अभी तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जा रहा हूँ। और क्या, एज आई सेड, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ है। मेडल के ऑफिस पे जाएंगे, इसके बाद बीजेएस क्वालिफायर्स खेलने को। टट्टी टाइट है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज हमारा लड़का हेक्टर खेलने वाला है, तो आप देख सकते हैं लड़का कितने बजे उठ के आए हैं। वाओ, ब्रेकफास्ट करके रेडी बैठा है, प्रैक्टिस कर रहा है, क्या बात है। होपफुली क्वालिफाई हो जाए। ब्रेकफास्ट हो गया है एंड वील बी लीविंग फॉर द वेन्यू इन 5 मिनट्स। अगेन शाउट आउट टू मेडल ई-स्पोर्ट्स फॉर गिविंग अस देयर ऑफिस टू प्ले इन। और अगर आपको ये व्लॉग में दिखे कि हम लोग हंस रहे, खेल रहे, खराब परफॉर्मेंस देने के बाद भी, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीसेट आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस। मेरे को भी गुस्सा आ रहा है, मेरे को भी दुख है, और ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा दुख और गुस्सा मेरे प्लेयर्स को है खराब खेलने का। बट दैट डजेंट मीन कि हम लोग शौक मनाए और सैड रहे, और समझ रहे हो, तो उससे जज मत करना हम लोग को। ओमेगा का जर्सी पहन के आया आज। क्या ये ओमेगा का जर्सी पहन के आया? कौन तू? ओमेगा पहन रखी है मेरी एक्सेल टीम में, पता नहीं। तो मोटा हो गया इतना? देख रहे हो दोस्तों, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, खेल नहीं रहे फिर भी देखो कैसा रेडी हो गया है। अच्छा लगे क्योंकि आई थिंक इसको अंदर से फील आ रही है कि इसको खेलना पड़ जाएगा, वो भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। और वी हैव द T2 किलर स्पेशलिस्ट विद द स्क्वाड टुडे, वो रेडी हो रहा है एकदम हमारे साथ, पैन वैन लेके बैठ गए। और जस्ट इन केस वो भी अगर कम पड़ गया, तो हमारा टॉप सीक्रेट हथियार भी है हम लोग के पास, सुपर टॉप सीक्रेट। 22-3 से मार रहे थे को बैंक। अच्छा 22-3 से हार रहे, माँ कसम 22-4 हार रहे ये वैसे भी जिससे हार रहे वो सिर्फ TDM में मार रहे आजकल। तुम्हारा भाई आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर देख लो अंदर कितना ग्राइंड कर रहा है। T2 लॉबी डिस्ट्रॉयर आज वही T1 T2 के बीच में, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? हेलो, कहाँ लगाया फोन? हेलो, अबे वो कार्टून है जो बजते रहता है, थोड़ी वो है। अरे नहीं, अबे देखा नहीं है क्या ये? ओबे हाँ वे क्या बोले, वापस आने का रोज क्या होगा? देंगे सबकी मार। एक बार बैकग्राउंड बता देना तुम लोग। Are you ready, my boy? Yes. तीन गेम में ऐसा लग रहा है मेरे को। लास्ट टाइम जैसा 96 पॉइंट कितना लिया था अपन ने, तीन गेम में, छः गेम में है ना। चलो लेट्स गो। हो गया। बेस्ट ब्लॉक गेम वन। आज के दिन की कौन सी वो टीम होगी जो आपको सबसे ज्यादा ऊपर जाती हुई नजर आएगी? फिलहाल के लिए आज के दिन का ये पहला मुकाबला है रैंगल का, और देखते हैं कौन सी वो पहली टीम होगी जो निकाल के जाने वाले विनर बने चिकन डिनर। कुछ डॉप क्लैशेस हमें देखने को मिलेंगे। और सर्कल जिस चीज की मैं बात कर रहा था, फ्लाइट पाथ के जस्ट ऑपोजिट हमें देखने को मिलता हुआ। ओमेगा यहाँ पे आए थे, इनके आसपास एक खिलाड़ी उतरे थे, व्हीकल उठाया और यहाँ से वो चलते बने ओमेगा। वो ओपन में खिलाड़ी मौजूद था, और इसी के साथ निंजू सबसे पहले डाउन किए जाएंगे। और यही टीम सोल है जिनका राउंड वन में परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, साथ ही साथ उनके पास M4 का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, और डॉटी जो नॉक किए गए थे यहां पे वहीकल से समाप्त किए जाएंगे। बट IGL वो वहां पे बैठे हुए, अभी तक टीम सोल के किसी भी खिलाड़ी ने उनको देखा नहीं, बट फाइनली देखा तो गया, बट वो वहीकल लेके निकलने की कोशिश कर रहे थे, समाप्त कर दिए जाएंगे टीम सोल। 4 टोटल फ्रैग उनके पास, और सर्कल का सबसे बढ़िया एडवांटेज, हाइट का एरिया भी उनके पास मौजूद है। ऐसे में चिकन डिनर उनसे दूर अब जाना चाहिए नहीं। अगर हम बात करें बाकी की टीम्स की, टीम हाई वोल्टेज मुश्किल तो उनकी भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आने वाली है। लोअर रिच का एरिया, एक अच्छा ग्रेनेड एंड हाई वोल्टेज उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। कुछ प्रेडिक्टिव स्प्रेज वो भी जाते हुए नजर आएंगे। टीम सोल की बात करें, व्हीकल रन ओवर करने की कोशिश भी हो सकती है, बट सवितार फाइनली उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। एडवांटेज से
टीम को वाइप आउट कर सकते हैं। 7 फिनिशेस ऑलरेडी उनके पास आ चुके हैं। अब देखना ये है कि 15 प्लेसमेंट अंक के साथ कितना ज्यादा फिनिशेस वो और निकाल सकते हैं। शायद उनके पास जाएंगे 6 टोटल फिनिश और उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो भी रहने वाले। लेकिन क्या यहाँ पे कुछ और कारनामा किया जा सकता है? एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, कॉम्प्लेट का फिनिश भी वो सिक्योर कर लेंगे। विंटर इज लुकिंग जस्ट अनस्टॉपेबल राइट नाउ, लेकिन पोजीशन उनकी रिवील्ड है, डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर आएगा। टीम को टेक डाउन किया जा सकता है, जी हाँ, डैमेज बहुत ज्यादा है। टीम सोल वो लेकर के जाएंगे पहले मुकाबले में एक बेहतरीन विनर विनर चिकन डिनर। कितने 3, 6, 7, 8, 9, 10 10 किल। ओके, गेम 1 चिकन डिनर विद 10 किल्स, गुड स्टार्ट, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो देखते हैं इसके आगे कैसे होता है। गेम 2 इज लाइव, आर वी गोइंग फॉर अनदर चिकन डिनर? फिलहाल के लिए शुरुआत करेंगे आज के दिन के दूसरे मुकाबले की, मिरामार का ये मुकाबला, और जानेंगे कि यहाँ पे कौन सी टीम वो होगी जो कि निकालने वाली है विनर विनर चिकन डिनर। फिलहाल के लिए गॉब्लिन रहेंगे सबसे तेज, लेन उड़ाते हुए दिखाई देंगे और अभी भी कुछ बदलाव किया नहीं गया। टीम सोल की वही 4 प्लेइंग लाइनअप जो है देखने को मिलती हुई। सर्कल का शिफ्ट देखिए, टीम सोल की झोली में आके गिरा है सर्कल। मुझे लगता है कि उनका रणनीति यही था कि रैंगल में आप एजेस खेलेंगे और उसके बाद जब मिरामार का गेम प्ले आएगा तब आप सेंटर ऑफ द सर्कल जाने की कोशिश करेंगे। आप देखें कि पहले ही वो सेंटर ऑफ द सर्कल चले गए और सारी फाइट्स हो रही है। गॉब्लिन की पोजीशन देखिए, उनके सामने ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग का पूरा स्क्वाड यहां पे मौजूद है। काफी अच्छा मॉलोटोव जाएगा गॉब्लिन की तरफ से, यहां पे एक प्लेयर को नॉक कर दिया जाएगा, मतलब ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के मात्र एक ही प्लेयर बचे हैं अब। चलिए वहां पे व्हीकल भी ब्लास्ट हुआ है गॉब्लिन, आखिरी ग्रेनेड उनके पास है, गॉड सामने नॉक पड़े हुए। मॉली का भी उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, हर एक यूटिलिटीज का इस्तेमाल सर्कल के बाहर वो कर रहे हैं। अभी भी उनको बहुत सारे अंकों की जरूरत पड़ने वाली है। टीम सोल शुरुआत उन्होंने बेहतर की है, बट अभी भी आप देखें 5वां सर्कल समाप्त होने को है और अभी भी 13 टीम इस पूरे मुकाबले में मौजूद है। क्या जी नहीं, अभी भी वो खिलाड़ी वही मौजूद है। खाते में जाने वाला है वो जाएगा एक 7 के खाते में। हेक्टर अभी भी सर्कल के बाहर है, 55 मीटर की जो लंबी रेस है वो उनको लगानी पड़ेगी, बट एटलस वो भी सर्कल के बहुत करीब है। जिस तरीके से उन्होंने शैक को छोड़ के वापस ऊपर आना उन्होंने पसंद किया, इसके साथ हेक्टर को डाउन किया गया, पेन उनको भी डाउन किया जाएगा, ओमेगा के द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे। बात एटलेस की कर रहा था कि सामने एक शैक था वो वहां ना जाके ओपन पे आके वो छुपे, बट वहां पे ओमेगा डाउन करेंगे। क्या वापस बोल क्या है? गॉब्लिन ये देखिए गॉब्लिन के हंसरे, पीओवी बताया होगा, हंसरे हंसरे ये है ऑफिशियल एमवीपी। हां हां हां, गजब बेइज्जती है। इस मैच 2 वाज #4 9 किल्स, आई थिंक कुड हैव बीन बेटर, बट ठीक है चलेगा। 42 पॉइंट्स आई थिंक सिक्योर्ड इन 2 गेम्स, सो नॉट बैड। अभी तक गेम खत्म नहीं है, 4 गेम्स बचे। बेसिकली मैंने डिसाइड किया कि ये छोटे छोटे विक्ट्रीज सेलिब्रेट नहीं करने वाले, अगर आज मार भी लेते हैं अच्छा क्वालिफाई हो भी जाते हैं तो इतना ऊपर हवा में नहीं आने देंगे इनको। बट कल जो मीटिंग हुई थी आई थिंक थोड़ा सा उससे फ़र्क पड़ा है, टीम थोड़ा वो वाले जोन में दिख रही है जो जोन में लास्ट ईयर थी। होपफुली इट वर्क्स आउट एंड वी कंटिन्यू दिस टू BGMS एज वेल टुनाइट। सो बाय द वे दिस इज कबीर, इज ओनर ऑफ मेडल ईस्पोर्ट्स, हम उनका बूट कैम्प यूज़ कर रहे हैं और ये जो खाना आया है पूरा का पूरा इज फ्रॉम अ कैफे दैट इज फादर ओन्स और उसका नाम है कैफे माका टी कॉफी कल्चर। अभी हम लोग खाने वाले, बहुत कुछ आया है मंगा के दिए भाई ने। मैच चालू हो गया, फक गाइस मैच 3 इज ऑन। कुछ होता नजर आएगा और ये शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट, क्या पाइनान यहाँ पे जोन के अंदर आएगा? जवाब है नहीं, एक छोटा सा एरिया है पाइनान का, बट ये सर्कल मेन आइलैंड पे जा चुका है। टीम सोल उनको भी शायद रोटेट करना पड़ेगा, देखने वाली बात रहेगी क्या वो करते हैं या फिर इसी आइलैंड पे रुकना पसंद करेंगे, क्योंकि ये जोन तो है उनके पास। बट टीम
देखिए रोटेशन तो शुरू कर दिया है, बट पीछे से स्पाइडर के प्लेयर्स आ रहे थे। उधर अगर आप जोन की बात कीजिए, वहाँ पे उनका एक प्लेयर ऑलरेडी जा सकता है, बट टेलीफोन से स्पॉट किया प्रोन का होना ओपन में। मैं मानता हूँ कि आप घास में छुप सकते हैं, बट जब आपके ऊपर शॉट्स आ रहे हैं तब ये अच्छा आइडिया नहीं था। स्पाइडर के प्लेयर्स एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं, बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। उधर सोल नियो जो ब्रिज के दूसरी तरफ है, उनके पास जोन का एडवांटेज है, वहाँ से उन्होंने प्ले दिया। बैक टू बैक कंसिस्टेंसी दिखाई जा रही है टीम सोल के द्वारा, बट ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के एक प्लेयर अभी भी वहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर। डीपीएस उनके पास है, हेक्टर के पास एक नेड, ये नेड अगर सही जगह गया तो शिकार जरूर होगा और जाएगा भी सही वहाँ पे नेड। क्या वहाँ पे वो वैल्यू मिलेगी? जी नहीं, बाहर आ चुके हैं प्लेयर, थोड़ा देखना पड़ेगा। हेक्टर को एचपी उन्होंने काफी ज्यादा गवा दिया है, डीपीएस उनके पास भी देखने को मिलती है, बट ये 1v1 की फाइट पूरा खतरनाक साबित हो सकती है। हील करेंगे, आवाज जरूर आएगी वहाँ पे हील करने की, कर देंगे। अब यहाँ पे हेक्टर के लिए दिक्कतें हो सकती है, बट जैसे ही एक्लिप्स बाहर आए किंग्सोल टॉप फोर में अपने आप को पाएंगे। दो प्लेयर्स बचे, हेक्टर ने ओमेगा को रिवाइव दे दिया है। इनके पास भी अभी के लिए और नेट नहीं है, बट एक जो नेट था वही काफी था, वो शानदार नेट था जिन्होंने। मार गया था कॉल उठाने के लिए, अपेरेंटली हैशटैग 38 किल्स है हमारे पास, फिर भी भरा जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। दिस इज वॉट वी यूज टू डू लास्ट ईयर की यू नो #3 #2 चिकन ला के भी उमे का गाले डालता था प्लेयर्स को। आई थिंक वी हैव रीच दैट जोन, होपफुली टच वुड ये जोन में कंटिन्यू रखें। हम कैसा है? बहुत ज़्यादा बढ़ा, 5 किल में मिले तेरे को सुना मैंने एक्टर। क्या बात है, डिस्ट्रॉयर सपने पूरे हो गए। पता है क्या बोलता है कि कई बार बोलते हैं, आज मैं सो को मैं जब उठा ना उठ के सीधा आएगा, आज तक नहीं कर सुन लो, देखो मैंने 10 किल कर दिया ऑफिशियल में सपोर्ट रोबी एक्टर रोबी भाई। ये 8 बिट आने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पता नहीं मैं बोल रहा हूं और विकेटी का ये मुकाबला देखना ये है कि इस ठंड के मौसम में कौन सी टीम होगी जो गर्मी बढ़ा के जाएगी। चलिए अभी उनके ऊपर मॉली आया, वो ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश कर रहे थे, अभी डाउन किया जाएंगे हेक्टर का, वो मॉली काफी ज्यादा बढ़िया था, बट देखना ये टीम सोल क्या वो चार्ज करने को तैयार है। बट एक और टीम जो थर्ड पार्टी करने के लिए आ सकती है, बट वहीं पे गॉब्लिन का एक और ग्रेनेड आएगा, क्लच कॉर्ड को वहां पे डाउन किया गया, गॉब्लिन चार्ज करते हुए नजर आएंगे। नियो अभी भी वहां पे मौजूद है, बट एक मॉली आया गॉब्लिन, उनके ऊपर भी मॉली का हेड पड़ेगा, बट नियो उसी ना अंदर घुस गए, सावितार को डाउन किया गया, एक आखिरी खिलाड़ी वहां पे मौजूद रहेगा, समाप्त किए जाएंगे, बट नहीं हेक्टर को उन्होंने डाउन कर दिया। बट इसी के साथ टीम सोल दो खिलाड़ी डाउन तो सही, बट मैं चर्चा इस चीज की कर ही रहा था कि थर्ड पार्टी क्या पता UP50 वो कर भी दें। 3 फ्राग अभी नियो के पास है, 11 फ्राग्स टीम सोल ऑलरेडी निकाल चुकी है, और कंसिस्टेंसी की मिसाल आज आप दे जरूर सकते हैं, बट UP50 डाउन होते हुए दिखाई देंगे। बट नियो ये वाला ग्रेनेड ठीक था, अच्छा डैमेज दिया गया वहां पे एडमिनो को, एक और ग्रेनेड आता हुआ, और ये हेक्टर का ग्रेनेड था जो एडमिनो को टेक डाउन करेगा। जेली आईजीएल अभी भी अकेले बचे रहेंगे, वापस रिवाइव किया जाएगा, बट हेक्टर का एक और ग्रेनेड, शायद ये अंत हो सकता है टीम ओआर का। ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देंगे वो ग्रेनेड का, आप डैमेज देखें, जेली एचपी बहुत ज्यादा कम है, बट हेक्टर उन्हें वो फ्रैग चाहिए, एडमिनो अभी भी नॉक पड़े रहेंगे, फिनिश किए जाएंगे, जेली एचपी बहुत ज्यादा कम, नीचे जाने की कोशिश, क्या वो घिर के समाप्त हो गए? जी नहीं, निंजा ओपी थे जिन्होंने डाउन किया जेली को, और इसी के साथ ओआर सोल नियो 5 फ्रैग्स इनके पास है, हेक्टर के पास 6 फ्रैग्स है, दोनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, बट TFF को देखिए वो भी अभी के लिए पुष्टि कर रहे हैं, और यहाँ पे नियो के द्वारा स्मोक्स करे जाएंगे। लेट्स फाइंड आउट, स्पार्की उनके पास फर्स्ट एड है, वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी टीम है वो हील बैटल के लिए नहीं जा रही, उन्होंने अपने आपको बूस्ट किया, वो हील बैटल करके वो चिकन निकाल सकते हैं अपनी टीम के लिए। हेक्टर क्या उन्होंने उस खिलाड़ी को देख लिया, बट स्पार्की क्या वो यहाँ पे चिकन निकाल के जाएंगे, हील बैटल करते हुए नजर आते हुए, पास टोटल फर्स्ट एड उनके पास, बट हेक्टर वो शायद लेट हो गए या फिर अभी भी उनके पास मौका था जहां पे वो हील कर सकते, अगर हेक्टर डाउन हुए तो शायद वो चिकन उनके पास जाता हुआ नजर आए, बट हेक्टर सही समय पर उन्होंने हील बैटल करना चालू किया, बट अब दोनों के पास 3 बट ये वाले राउंड कैन बी बंद है। गेम फोर शुरू हो गया, लीडिंग द लीड बोथ्स 91 पॉइंट्स इन 4 गेम्स। सेक्वल है अभी, दिस गेम इज ऑन, वी विल ब्रेक द रिकॉर्ड,
पूरा आई थिंक लाइन में सेट किया 130 सलाम सलाम से क्लोज वाला बंदा रुका ना बस खेला है वो था सैनहॉक का और उसके बाद विकेंडी का ये मुकाबला जहां वो उतना अच्छा नहीं खेल पाए और अब आज के दिन का ये पांचवा मुकाबला मेरा मार का हेक्टर अपनी टीम के हीरो और लग नहीं रहा है कि ये खिलाड़ी सपोर्ट प्लेयर है। देखिए ट्रैक्टर एक चीज होती है जो खेत की जुताई करती है, वैसे ही हेक्टर यहाँ पर आए, उन्होंने पूरे लॉबी की ही जुताई कर दी जिस प्रकार से वो खेलते हुए नजर आए। काफी ज्यादा बेहतर उनका प्रदर्शन देखने को मिला। फिलहाल बात करें टीम सोल की, पिकार्डो में उन्होंने ड्रॉप लिया और किसी भी चिंता में है नहीं क्योंकि अब इनका जो उद्देश्य है वो टॉप एट में आना बिल्कुल नहीं है। पहले पायदान पे तो खैर वो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही साथ 133 अंक का ताबड़तोड़ प्रदर्शन जो कल के दिन पे हमें टीम ब्लाइंड के द्वारा देखने को मिला था, आज शायद उस प्रदर्शन को ओवरशैडो करने की कोशिश की जाए। उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है, व्हीकल उठाया और सीधे स्टैमिन करते हुए नजर आएंगे, दिक्कतें बढ़ाई जाएंगी ऑन टॉप की। लेकिन एक बात तो तय है कि टीम सोल यहां से खेलेंगे तो अग्रेसिव ही रहना पड़ेगा। दो खिलाड़ी हैं वो आगे निकल चुके हैं, ओमेगा समाप्त करेंगे। जी हाँ आगे बढ़ रहे हैं उस चिकन डिनर के लिए, बट UP50 तारीफ करनी पड़ेगी कम से कम वो सर्वाइवल गेम पे उनका काफी बढ़िया। हाई वोल्टेज की बात करें तो उनकी पूरी तरीके से मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अब टीम सोल बहुत ओपन में आए हैं। UP50 के लिए काफी आसान ये फिनिशेस दे सकते हैं। जी हाँ, दो खिलाड़ी को वापस डाउन भी किया जाएगा, हेक्टर गोज डाउन एज वेल और अब नियो बचते आखिरी खिलाड़ी टीम सोल, विद इन सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स उनको डाउन किया जाएगा। 5 मैचेस आर ओवर, आई थिंक वी आर 111 पॉइंट्स। ये मैच चिकन हो सकता था, बड़े लोग थोड़ा किल्स के लिए खेल रहे थे। कितने किल मरे तू ये मैच में? 4। क्या बात, आई थिंक इसके पहले रिकॉर्ड है ब्लाइंड का 133, तो वी नीड 23 पॉइंट्स मोर टू ब्रेक द रिकॉर्ड। लेट्स सी इफ वी कैन डू इट, डजंट मैटर एनी मोर, आई मीन वी ऑलरेडी क्वालिफाइड, बट वी विल सी इफ वी कैन ब्रेक दैट रिकॉर्ड, कीप द मोमेंटम गोइंग ताकि रात में BGMS में भी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चला रिकॉर्ड तो नहीं टूट रहा, मर गए हम लोग, बट कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम पास करके विल गो टू द वेन्यू। So, also the event is over, the 6 games are over and I think we played decent. जैसे मैंने पहले बोला था, won't be celebrating small wins, कुछ does not mean anything, it was just qualifying games. It was a good enough lobby, I think, अच्छी खासी lobby थी. The players will always do their best for you and I will always do my best for you. And the coach will do his best for you. ठीक है, over and out. रात के मैचेस का देखते ब्लॉग होता है कि नहीं, बट दिस इज इसे BGIS का ब्लॉग था। सी यू अगेन टुमॉरो, आई ऑलवेज कम बैक।